भाइयों और बहनों, आपने नकली नोटों के पकड़े जाने के बारे में तो खूब सुना होगा, मगर क्या कभी आपने नकली सिक्के के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नकली सिक्कों को बनाने में कौन सी बड़ी बात हो गई, और ऐसे कितने ही नकली सिक्के कोई बना लेगा। तो आपको बता दें, इन छोटे छोटे सिक्कों से एक महिला ने ज्यादा नहीं 30 करोड़ रुपए कमा लिए थे। क्यों लग गया ना अब CTC को धक्का? आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है नकली सिक्के बनाने का ये काला धंधा, और इतना ही नहीं, आप एक नकली सिक्के को कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप 5 से 10 रुपए के सिक्के का लॉस उठाने से बच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस तरह के शातिर दिमाग को हवा मिलती है आजकल फेमस हो रहे OTT प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। आपने मूवीज में या वेब सीरीज में देखने के लिए बहुत से OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एजुकेशन के लिए भी ये काम आ सकते हैं? तो इसका जवाब है वन न्यूरॉन एजुकेशन सर्विस। जी हाँ, वन न्यूरॉन लेकर आया है वर्ल्ड्स फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इन डिमांड स्किल्स जैसे कि मशीन लर्निंग, AI, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए 100 से भी ज्यादा कोर्सेज और 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, वन न्यूरॉन आपको एक्सपर्ट से वन-ऑन-वन अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका देता है। इसके साथ साथ आप उनसे करियर गाइडेंस भी ले सकते हैं और मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए इनोवेटिव लैब और इंक्यूबेशन लैब का एक्सेस भी मिलेगा, जो आपके भविष्य को नई दिशा देने में मदद कर सकता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जहां आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे सफल स्टार्टअप कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सफल स्टार्टअप है ये सिक्कों की फैक्ट्री। क्योंकि इस फैक्ट्री से इस महिला और इसके साथियों ने 3 महीने में 30 करोड़ का मुनाफा कमाया है। जी हाँ, आप अपने कानों पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं जिस गुल्लक में आप सिक्के जमा कर रहे हो वो भी नकली हो, और आपकी इस छोटी सी फैक्ट्री पर कब रेड लग जाए क्या पता। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ सिक्कों की मदद से अमीर बन गए, और कोई छोटे मोटे अमीर नहीं बल्कि करोड़पति बन गए थे। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद पुलिस को उनके खुफिया मुखबिर से एक खबर आई कि हर रोज एक गाड़ी टोल नाके पर आती है और नकली सिक्कों की सप्लाई करती है। पुलिस ने इस बारे में जब पता किया तो पाया कि यह खबर पुख्ता है। बस फिर क्या था, इतना देखकर पुलिस सभी टोल नाकों पर तैनात हो गई, और जब पुलिस की जानकारी के अनुसार ये गाड़ी आई तो उन्होंने इस गाड़ी को रोककर पूछताछ की। शुरुआत में तो ये गाड़ी किसी घरेलू परिवार की लग रही थी, जिसमें फैमिली के लोग कहीं घूमने जा रहे हो। पुलिस को लगा कि शायद किसी गलत गाड़ी को पकड़ लिया है, मगर जब मुखबिर ने बताया कि यही गाड़ी है तो पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू की, और थोड़ी सी छानबीन के बाद जो सामने आया उसे देखकर पुलिस और आसपास के लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उस गाड़ी में सिक्कों के कई सारे बैग्स मिले, और बैग्स में इतने सारे सिक्के कि उन सिक्कों से एक नई गाड़ी खरीदी जा सकती थी। बता दें कि उन बैग्स में से पुलिस को लगभग 2.5 लाख रुपए के सिक्के मिले। इतने सारे सिक्के देखकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। अब पुलिस सब छोड़कर पूछताछ में लग गई थी। आपको यहाँ बता देते हैं कि महिला कैसे काम करती थी। दरअसल फैक्ट्री में सिक्के बनवाने के बाद ये अपने साथियों के साथ इन सिक्कों को बांटने निकल जाती थी, मगर ये काम भी बड़े लीगल तरीके से करती थी। जी हाँ, जहाँ नकली नोट की तस्करी में हवाला और गैर कानूनी गतिविधियां शामिल होती हैं, वहीं इकलौती महिला खुलेआम कई लाखों के नकली सिक्के चलाती थी। ये अपना सारा धंधा टोल नाकों से चलाती थी। वहाँ के टोल कर्मियों ने बताया कि उन्हें अक्सर खुले पैसों की दिक्कत होती है, इसीलिए इसने उसका फायदा उठाकर वहाँ अपने सिक्के बेचना शुरू कर दिए, और टोल कर्मचारी भी उससे सिक्के ले लेते थे, क्योंकि कभी उन्हें जरा भी शक ही नहीं हुआ कि महिला नकली सिक्के उन्हें पहुंचाती है। आप सोचिए, जो लोग दिन भर नोट और सिक्कों के बीच घिरे रहते हैं, उन्हें नहीं पता चला कि सिक्के नकली हैं। हम तो वैसे भी सैलरी के नाम पर सिक्के लेते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सिक्का असली है कौन सा नकली। वो महिला इन टोल नाकों पर हर रोज सिक्कों के बैग्स पहुंचाती थी, और इतना ही नहीं, पहले तो नकली सिक्के देती थी, और फिर ये महिला खुले सिक्के देने के बदले वहाँ से कमीशन भी लेती थी। देख रहे हो कैसा दोहरा मुनाफा करती थी। पुलिस ने जब आरोपी महिला से पूछताछ की तो उसका और उसकी नकली सिक्कों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। उसने बताया कि वो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बहादुरगढ़ में नकली सिक्के की फैक्ट्री चलाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत अपनी दबिश बनानी शुरू की और उन 3 साथियों को भी तुरंत ही धर लिया। वहीं जब पुलिस की टीम महिला और उसके 3 साथियों के साथ बहादुरगढ़ फैक्ट्री पर पहुंची तो वहां पर ये सिक्कों को बनाने का पूरा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। आप मानोगे नहीं दोस्तों, जहां पर रोज सिक्के बनते थे और बाजार में जाते थे, पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें और 2.5 लाख के सिक्के मिले। साथ में सिक्के बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई।
पूछताछ में पता लगा कि पिछले कई महीनों से वो धंधे में लगे हुए हैं, जिससे वो अब तक 30 करोड़ रुपयों की कमाई कर चुके थे। वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी छोटे नकली सिक्कों के व्यापारी पकड़े गए। आपको बता दें कि एक ऐसी फैक्ट्री उदयपुर के घाड़े राव की घाटी स्थित मकान में पाई गई थी। यहाँ आरोपी घर के अंदर ही 11 टन की मशीन लगाकर नकली सिक्के छापकर बाजार में बांट दिया करता था, और ये सब वो पिछले 11 महीनों से कर रहा था। और इन 11 महीनों में उसने 5 लाख रुपए से ज्यादा के सिक्के 2 लाखों सहित अन्य स्थानों पर खुले सिक्कों के नाम पर भेज दिए थे। इस व्यक्ति का नाम ललित सोनी था और इसकी 5 के नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री जुलाई 2016 से चल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी बनक तक नहीं लगी। ललित जो अपने घर में माल बनाता, उन सिक्कों के इसके पार्टनर शिवलाल सोनी और सौरभ जैन बांटने का काम करते थे। वो यहाँ से 10-10 किलो सिक्के थैले में भर कर ले जाते थे और टोल नाकों और बाजार में फुटकर राशि के नाम से सिक्के बेच बाजार वितरित कर देते थे। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि नकली सिक्कों को बनाने की कुछ लागत भी तो आती होगी, ऐसा थोड़ा ही कि फ्री में सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आपको इसकी कॉस्ट भी बता देते हैं। दोस्तों, एक सिक्के को बनाने में सिर्फ 50 पैसे खर्च आता है। इसमें हम सारे खर्च को मिलाकर बता रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्का 5 रुपए का चलता है, तो आप इस मुनाफे को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिक्के पर 4.5 रुपए का मुनाफा कमा लेते थे। कभी देखा है आपने इतने प्रॉफिट वाला बिजनेस? दोस्तों, अब आप अपनी जेब में हाथ डालकर एक सिक्का निकालिए और उसको देखिए। देखने में एकदम असली लग रहा है ना, मगर थोड़ा रुक जाइए। आप में से हर किसी की अच्छी किस्मत नहीं रही होगी, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे असली और नकली सिक्के में फर्क। धीरे धीरे बारीकियों को ध्यान से देखकर हमें जरूर बताना कि आपका सिक्का नकली है या असली। 1. सबसे पहला अंतर दोस्तों ये है कि असली सिक्के में रुपए का साइन बना होता है, जबकि नकली में केवल 10 लिखा हुआ होता है। देखिए, ऐसे एक नकली सिक्के में 10 रुपए का ये वाला साइन बना हुआ होता है और नकली में रुपीज लिखा होता है, जिसको आप ध्यान से देखकर अंतर बता सकते हैं। 2. इसके अलावा असली सिक्के में 10 पट्टियां यानी स्ट्रिप्स बनी है, जबकि नकली सिक्के में 15 पट्टियां बनी हुई है। ये स्ट्रिप्स आपको रुपए के सिंबल के ऊपर बनी दिखेंगी। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं आपके सिक्के में कितनी स्ट्रिप्स बनी हुई है। 3. दोस्तों, आप बताते हैं सबसे बड़ा अंतर, जिसको आप देखकर तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि नकली सिक्के में 10 केवल बीच के सिल्वर वाले हिस्से पर लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में थोड़ा नीचे लिखा होता है, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आ जाए। नकली सिक्के बनाने वालों के पास ये तकनीक अभी नहीं आई है कि वो ऐसे गोल्ड और सिल्वर दोनों पर 10 नंबर की प्रिंटिंग कर सके। 4. अब आप अपना सिक्का पलट लीजिए और देखिए, असली सिक्के के दूसरी ओर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा हुआ है, जबकि नकली में एक साथ लिखा हुआ दिखता है। देखिए, ये असली सिक्का और ये नकली सिक्का, जिसमें भारत और इंडिया एक साथ लिखा हुआ है। 5. इसके साथ ही अगर आपका सिक्का नकली है, तो आपको सिक्के पर नजर आने वाले अशोक स्तंभ के नीचे और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, जबकि असली सिक्के में ऐसी कोई भी लाइन नहीं बनी हुई है। यह आपको बता दें कि नकली सिक्के बनाने वाली भारत में कोई एक ही फैक्ट्री नहीं है। जब से नोटबंदी और नकली नोट्स पर छापे की खबर सामने आई है, कई फ्रॉड लोगों ने अपना धंधा नकली सिक्कों पर शिफ्ट कर लिया है, जिससे रिस्क कम और मुनाफा दोगुना हो जाता है, क्योंकि अब भला 5 रुपए के पीछे कौन चिक चिक करेगा। और हम भी बिना सोचे समझे 5 और 10 रुपए का सिक्का अपने वॉलेट में सबसे आगे वाली जेब में डाल के निकल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं, छोटा हो या बड़ा, हर किसी को रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। तो ये तो थी नकली सिक्के और उनकी फैक्ट्री। अगर ऊपर का टेस्ट करके आपका सिक्का नकली निकला, तो नीचे कमेंट में थत तेरे की लिखकर हमें बता दीजिए। अगर असली निकला है तो हुर्रे लिख दीजिए, आपकी खुशी में हमारी खुशी छुपी है। चलिए, हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगले किसी रोमांचक वीडियो में।